नमस्कार। अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। आप लोग यूएई के कोने कोने से आए हैं और भारत के भी अलग अलग राज्यों से आए हैं। लेकिन सबके दिल जुड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है भारत यूएई। बस इस पल को जी लेना है, जी भर करके जी लेना है। आज वो यादें बटोर लेनी है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली। जो यादें जीवन भर मेरे साथ भी रहने वाली। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। मैं संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का, और ये संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है। आप देश का गौरव है। भारत इज प्राउड ऑफ यू। भारतम निगंडे ऑर्थो अभिमानिकुन्नो उंगलई पार्तो भारतम पेरू मई पड़गिर्दो। भारता निम्मा बग्गे हेम्मे पड़ुत्तदे।
मी पै भारत देशम गर्विस्तोंदी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर, आपका ये उत्साह, आपकी आवाज आज अबू धाबी के आसमान के पार जा रही है। मेरे लिए इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद ये अभिभूत करने वाला है। आप समय निकालकर यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आज हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हिज एक्सलेंसी शेख नाहयान भी मौजूद है। वो भारतीय समुदाय के अच्छे मित्र और शुभचिंतक है। भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह सराहनीय है। आज इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। गर्मजोशी भरा ये समारोह उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। उनकी आत्मीयता, मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है, तब मुझे केंद्र सरकार में आए बहुत अरसा नहीं बीता था। 3 दशक के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली यूएई यात्रा थी। डिप्लोमेसी की दुनिया भी मेरे लिए नई थी। तब एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन प्रिंस और आज के प्रेसिडेंट अपने 5 भाइयों के साथ एयरपोर्ट आए थे। वो गर्मजोशी, उन सभी की आंखों में वो चमक मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उस पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने करीबी के घर आया हूं, वो भी एक परिवार की तरह मेरा सत्कार कर रहे थे। लेकिन साथियों, वो सत्कार सिर्फ मेरा नहीं था, सत्कार वो स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का था। वो सत्कार यहां यूएई में रहने वाले प्रत्येक भारतीय का था। साथियों, एक वो दिन था और एक आज का ये दिन है। 10 वर्षों में
ये यूएई की मेरी सातवीं यात्रा है। ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था, और यही बात उन्हें खास बना देती है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमें भी चार बार भारत में उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आए थे, तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए थे। आप जानते हैं ये आभार किस लिए? आभार इसलिए क्योंकि वो जिस तरह यूएई में आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, वो जिस तरह आपके हितों की चिंता करते हैं, वैसा कम ही देखने को मिलता है। इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए वो सारे लोग घरों से बाहर निकल आए थे। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य है कि यूएई ने मुझे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इसे सम्मानित किया है। ये सम्मान भी सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतवासियों का सम्मान है, आप सभी का सम्मान है। मैं जब भी मेरे ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलता हूं, तो वो आप सभी भारतीयों की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो यूएई के विकास में आपकी भूमिका की तारीफ करते हैं। इस जायद स्टेडियम से भी भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के साथियों ने भारतीयों को अपने दिल में जगह दी है, अपने सुख दुख का साझेदार बनाया है। समय के साथ ये रिश्ता दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा, और इसमें भी ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद की बड़ी भूमिका। आपके प्रति वो कितनी संवेदनशीलता से भरे हुए हैं, वो मुझे कोविड के दौरान भी दिखा। तब मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं बिल्कुल चिंता न करूं। उन्होंने यहां भारतीयों के इलाज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए हर तरह के इंतजाम किए। उनके यहां रहते मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी। मैं आप सबके प्रति उनका ये असीम प्रेम हर पल अनुभवता हूं,
और इतना ही नहीं, जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। साथियों, भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले पहले अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को भारत की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडेंस डे पर भारत को स्पेस से शुभकामनाएं भेजी, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर है। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी है। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे बीच जो समझौते हुए हैं वो इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत और यूएई की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। साथियों, कम्युनिटी और कल्चर के संबंधों के मामले में तो भारत यूएई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मॉडल है। भाषाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है, ये भी मैं अपने अमीरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान बल किताब अदुनिया न कुतबो
हिसाब ली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बईना, अल हिंद भल इमारत हिया सर्वतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनु फी बदैया साईद अली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है, अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा, और जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है, भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कलम किताब दुनिया हिसाब जमीन, ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द है, और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे हैं? यहां गल्फ के इस क्षेत्र से हम दोनों देशों का नाता सैकड़ों हजारों वर्ष का, और भारत की कामना है कि ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे। साथियों, मुझे बताया गया कि यहां स्टेडियम में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स भी आए हैं। आज यूएई में मौजूद भारतीय स्कूलों में ऐसे 1.25 लाख से अधिक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये युवा साथी भारत यूएई की समृद्धि के सारथी बनने जा रहे हैं। ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के सपोर्ट से पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स को शुरू हुआ है। दुबई में नया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑफिस भी जल्द ही खुलने वाला है। मुझे विश्वास है कि ये संस्थान यहां भारतीय कम्युनिटी को बेस्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे। साथियों, आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्टफोन डेटा कंज्यूम करने में नंबर 1 है? दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है? हमारा भारत।
दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नंबर दो पर है? हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है? हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया? हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ दिया है? हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100-100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है? हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है? हमारा भारत साथियों, भारत की उपलब्धि हर भारतीय की उपलब्धि है। फिर 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और आप जानते हैं, मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है। इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं, मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बना कर दिया है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गांव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो,
इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। साथियों, आप में से जो लोग बीते दिनों भारत गए वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस वे बना रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए एयरपोर्ट बनवा रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए रेलवे स्टेशन बनवा रहा है। आज भारत की पहचान नए आइडियाज, नए इनोवेशंस की वजह से बन रही है। आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बन रही है। आज भारत की पहचान एक वाइब्रेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बन रही है। आज भारत की पहचान एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर के रूप में बन रही है। और आपको सुनकर गर्व होता है, जरूर होता होगा, होता है ना? साथियों, आप सभी भारत में आई डिजिटल क्रांति को जानते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। इसका लाभ यूएई में बसे आप सभी साथियों के भी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है। इससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम डेवलप करने में मदद मिली है। और जानते हैं, भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। कितना खूबसूरत नाम दिया है यूएई ने। साथियों, जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। इससे यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। साथियों, भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य ने दुनिया को भी स्थायित्व और समृद्धि की उम्मीद दी है। दुनिया को लगा है कि भारत एक भरोसेमंद ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मुझे खुशी है कि आज भारत और यूएई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। आप सभी ने भी देखा कि भारत ने एक बहुत ही सफल G20 सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें भी हमने यूएई को एक पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया। ऐसे प्रयासों से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी
नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। आज भारत को दुनिया एक विश्व बंधु के रूप में देख रही है। आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत की आवाज सुनी जाती है। कहीं भी संकट आता है तो सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है। आज का मजबूत भारत कदम कदम पर अपने लोगों के साथ खड़ा है। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है कि जहां भी विदेशों में बसे भारतीयों को समस्या आई, भारत सरकार ने तेजी से एक्शन लिया है। यूक्रेन, सूडान, यमन और दूसरे संकटों के दौरान फंसे हजारों भारतीयों को हम सुरक्षित निकालकर भारत लाए। दुनिया में बसे या दुनिया के अलग हिस्सों में काम कर रहे भारतीयों की मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, भारत और यूएई मिलकर 21वीं सदी का नया इतिहास लिख रहे हैं और इस इतिहास का बहुत बड़ा आधार आप सभी मेरे साथी हैं। आप यहां जो मेहनत कर रहे हैं उससे भारत को भी ऊर्जा मिल रही है। आप भारत और यूएई के विकास और दोस्ती को यूं ही मजबूत करते रहे, इसी कामना के साथ इस भव्य स्वागत के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी और आपके बीच में दूरी बहुत है, इसलिए मैं आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए आने वाला हूं। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जहां हैं वहीं बैठे रहोगे तो मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य अच्छा मिलेगा। तो मेरी मदद करेंगे आप? पक्का करेंगे? भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।